दुश्मन की आपको बर्बाद करने की कोशिश अब नाकाम होने वाली है। याद रखिएगा, जो लोग आपसे कंपटीशन कर रहे हैं, जो लोग आपसे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, वे दोस्तों अब आप लोगों से आगे नहीं जा पाएंगे, क्योंकि दोस्तों अब आपका जीवन ही कुछ इस प्रकार से तेज रफ्तार में आगे बढ़ रहा है, जिसे दोस्तों अब कोई भी नहीं रोक पाएगा। दोस्तों आपके ऊपर बजरंगबली का पूरा पूरा हाथ है, उनका साथ है। दोस्तों इसके साथ ही साथ आप लोगों को ये बता दूं, जो भी आप कार्य इन 24 घंटे में आप करेंगे, जो भी आप चाहेंगे वे सब आपको मिलेगा। हर कुछ आपके कर्मों के अनुसार होता है, इस बात का ध्यान रखें। देखिए दोस्तों, बजरंगबली का आशीर्वाद यदि आपको पाना हो तो आपको श्री राम की आराधना करना अभी से प्रारंभ कर देनी है, तभी आप लोगों को उच्च लाभ की प्राप्ति होगी। याद रखेंगे दोस्तों कि किन बातों की आपको कुछ खास सतर्कता रखनी है, कौन सी गलती इस समय पर भूल करके भी नहीं करनी है, इन खास चीजों पर आपको ध्यान रखिए। याद रखिएगा, जब ईश्वर का साथ आपको मिलता है तो जीवन स्वर्ग से भी सुंदर हो जाता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, आपके जीवन में भी आपको स्वर्ग का एहसास होने जा रहा है। देखने वाले देखते रह जाएंगे और आपके दुख झट से खत्म हो जाएंगे। आपके जीवन में कुछ ऐसी बड़ी घटनाएं घटित होंगी जिसके कारण दोस्तों आपके घर परिवार के लोग भी बहुत ही ज्यादा खुश नजर आने वाले हैं। ऐसी बड़ी खुशखबरी हैं दोस्तों आपको बजरंग बली के आशीर्वाद से मिलने जा रही हैं। इस 24 घंटे का समय आप लोगों के लिए बहुत खास रहेगा। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप यदि बजरंग बली के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दें। इसके साथ ही गए आप अपने सच्चे मन और हृदय भाव से कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय शिव शंकर अवश्य लिखिएगा, ताकि दोस्तों उनका संपूर्ण आशीर्वाद आपको प्राप्त हो। और दोस्तों शिव शंकर और बजरंगबली के आशीर्वाद से जीवन में ढेरों खुशियां सदैव बनी रहेंगी। आप जो भी अपने जीवन में चाहेंगे वह आपको अवश्य ही प्राप्त होगा। तो ऐसे में आप दोस्तों अवश्य लिखिएगा। दोस्तों आपको ये चीज़ बताना चाहूँगी कि बजरंगबली का आशीर्वाद जिन्हें मिल जाता है उनके जीवन के हर कार्य पूरे हो जाते हैं, और ये बदलाव केवल और केवल आपके राशि के जातकों के लिए ही दिख रहा है। दोस्तों आपके दुश्मनों की कहानी किस प्रकार से भी खत्म होगी, इसका पता आप लोगों को इन 3 दिनों में मिलने वाला है। आपके दुश्मनों के साथ में कौन से बड़े हादसे होने वाले हैं, जो दोस्तों माता रानी ने उन्हें अपने कर्मों की सजा दे दी है। दोस्तों आपको बता दें कि बॉस आपके दुश्मन को धक्के मारकर भगा सकते हैं, ये घटना आपके दुश्मन के साथ में होने वाली है। इसके साथ ही दोस्तों हम आपको और महत्वपूर्ण जानकारियां दे रही हैं, जिसमें हम जानेंगे कि दुश्मन के साथ साथ कुछ नए दोस्त भी आप लोगों के साथ में धोखा कर सकते हैं। आप लोगों को ईश्वर के प्रति श्रद्धा भाव रखने की आवश्यकता है। भाई बंधुओं से आपकी जिज्ञासा और बढ़ने वाली है, और दोस्तों कुछ कार्यों से आपको जुड़ने का मौका भी मिलने वाला है। यदि आपको कोई शुभ सूचना सुनने को मिले तो दोस्तों आप लोगों को काफी बेहतर स्थितियां उत्पन्न होने वाली हैं। यदि आपको कोई शुभ सूचना मिलने को मिले तो आप उसे तुरंत आगे बिल्कुल भी ना बढ़ाएं। आपको अपने आलस्य का त्याग कर आगे बढ़ना होगा, तभी आप अपने जीवन में कुछ खास कर पाएंगे। दोस्तों ये समय आपके लिए खास रहने वाला है, क्योंकि आपका अपनों का साथ काफी मिलने वाला है। इसी वजह से दोस्तों आप लोगों के दिनचर्या में काफी सुखद माहौल परिवर्तित होता हुआ नजर आएगा। कारोबार में बजट से ज्यादा पैसा ना लगाएं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जुड़े हुए बिजनेस मैनों को सफलता मिलेगी। रुका हुआ पैसा मिलने से आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। नौकरी पेशा लोगों को काम करने के तरीके में कुछ बदलाव करने की जरूरत है। बात की जाए आपकी कुछ लव लाइफ के बारे में तो दोस्तों मित्रों के साथ में कुछ चटपटी यादें आप लोगों को दोबारा से बीती हुई जिंदगी में ले जा सकती हैं। इसके साथ ही साथ दोस्तों मनोरंजन आदि में सुखद समय व्यतीत होगा। लव पार्टनर के साथ में खुशनुमा संबंध होंगे। दोस्तों स्वास्थ्य को लेकर के बात की जाए, आपकी लापरवाही की वजह से कोई पुरानी स्वास्थ्य संबंधी परेशानी दोबारा उभर सकती है। संतुलित दिनचर्या बनाकर रखें। जिन सवालों का जवाब आप अब तक ढूंढ नहीं पाए थे वे आप लोगों को अपने वरिष्ठ व्यक्तियों की मदद से हासिल होने वाले हैं। दोस्तों हर काम को आप अपने ऊपर करने की कोशिश करें, डेडिकेशन से आप लोगों की हर समस्या का हल होगा। खुद को नकारात्मक ना बनाएं, दूसरों पर निर्भर रहने की बजाय कुछ चिड़चिड़ापन आप लोगों को हो सकता है। करियर में दोस्तों लोगों का
जो आपको सुझाव मिल रहा है उस पर खास ध्यान देने की आवश्यकता है। इस समय आपके संपर्क सूत्रों और अधिक मजबूत होंगे, इस पर जरा थोड़ा ध्यान दीजिए। जीवन प्राप्ति के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण रखना आपकी सफलता को बढ़ा देगा। बच्चों के साथ में दोस्तों परिणाम एवं थोड़े संतुलित आप लोगों को साथ देने की आवश्यकता है, जिससे अन्य गतिविधियों पर भी आप लोगों का मन लगा रहेगा। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा या आवेश आने से माहौल बिगड़ सकता है। कोई भी बात यदि आपके मुंह से निकल सकती है तो दोस्तों उसको जरा ध्यान से निकालिए, क्योंकि आपकी एक बात किसी और को जिंदगी भर का दुख भी दे सकती है। धैर्य और संयम बनाकर रखने की आवश्यकता है। बिजनेस में सावधानी रखने से आपकी समस्या काफी हद तक कम होगी। शेयर्स जैसी दोस्तों गलतफहमियों की वजह से आप लोगों को कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए अपनी चीजों को संभाल कर रखना चाहिए। नौकरी में माहौल और परिस्थितियाँ आपके फेवर में रहने वाली हैं। वैवाहिक संबंध खुशनुमा रहेंगे। प्रेम संबंधों में भी अधिक सावधानियां बरतने की आवश्यकता है। दोस्तों गलत फहमियों की वजह से रिश्तों में दरार आ सकती है। जोखिम भरे कार्यों से जरा थोड़ा दूर रहे, वाहन आप लोगों को ध्यान से चलाना चाहिए। स्वभाव के नकारात्मक और सकारात्मक पहलुओं पर ध्यान दे, इससे दोस्तों आपके जीवन में कुछ खास बड़ा बदलाव होता हुआ नजर आएगा और ये कोशिश आप लोगों को आगे बढ़ने के लिए काफी हद तक प्रेरणा प्रदान करेगी। संतान के साथ में जो भी अनबन चल रही है उसमें भी आप लोगों को काफी हद तक सहूलियत मिलती हुई नजर आएगी। आपको अपने संगत सुधारने की आवश्यकता है, क्योंकि जो लोग आपके साथ में हैं वे केवल आपका अच्छा सोचते हैं, ऐसा हमेशा सही नहीं हो सकता। उच्च शिक्षा के लिए आप लोगों को तुच्छ प्रयत्न करने पड़ सकते हैं, जिस कारण से आप लोगों के लिए दिन काफी अच्छा रहने वाला है। उल्टी गंगा बहने वाली स्थिति चल रही है, इसलिए आपको बता दें कि ज्यादातर समय आप लोग वरिष्ठ व्यक्तियों की सलाह पर ही बिताएं तो ये आप लोगों के लिए काफी बेहतर रहेगा। इस समय सकारात्मक स्थितियां आपकी मानसिक और शारीरिक ऊर्जा को बनाए रखने के लिए तनाव और चिंता से दूर रखेंगी। पारिवारिक दोस्तों किसी सदस्य को लेकर के चिंता हो सकती है। व्यापार में गति लाने के लिए आप लोगों को अनुकूल व्यवहार रखने की आवश्यकता है। ज्यादा चिड़चिड़ापन आपके स्वास्थ्य के लिए सही नहीं है, इसलिए थोड़ा सा आप लोगों को दूसरों के साथ में नरमी बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि दोस्तों आपको अपनों के साथ में काफी खुशियां रहते हुए नजर आएंगे। अब बात करते हैं दोस्तों आपके वैवाहिक क्षेत्र में। दोस्तों आपको बता दें जीवन सुखमय चल रहा है, जिसमें आप लोगों को काफी अच्छी खुशखबरी मिल सकती है। इसके साथ ही दोस्तों व्यावसायिक जीवन में भी कुछ बड़े बदलाव होंगे। ऐसा होता है कि कई बार आपकी इच्छा होती है कि आप कुछ अच्छा करें ताकि दो पैसे आपके पास आए, लेकिन जब इंसान के पास अच्छा खासा काम होता है तो उस काम को करते करते वह बोर हो जाता है कि मुझे छुट्टी कब मिलेगी। तो जिंदगी में यही सोच उसे आगे बढ़ने नहीं देती है। हमारा सभी से सभी आग्रह है कि आपको अपने काम से भागना नहीं है। यदि सब कुछ अच्छा खासा काम होते हुए भी यदि आप अपने काम को समय पर पूरा नहीं करते हैं, आलस से समय सोए रहते हैं, छुट्टी की काम न रखते हैं और अपने काम से भागते हैं, तो दोस्तों संभावना है कि आपकी नौकरी हाथ से जा सकती है और जिंदगी में दोस्तों पहला कांड ये हो सकता है। सब कुछ नतीजा आपकी लापरवाही का है, सब कुछ नतीजा है आपकी ही दोस्तों कहीं ना कहीं गलती से। इसीलिए सावधान हो जाइए और समय रहते आप इस चीज़ को अपनाइए, क्योंकि जो आपके पास काम है बहुत सारे लोगों का तो वही सपना है। दूसरा कांड कहाँ पर होने वाला है वो भी जानने वाली बात है। तो प्यार में धोखा तो मिलता रहता है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर बहुत बड़ा विषय है। यदि आपने किसी को आँख मूंद कर भरोसा किया था, अपना एक एक राज किसी व्यक्ति को यदि बताया था, चाहे वो लड़का हो या फिर लड़की हो, तो वहाँ पर दोस्तों आपके साथ धोखा हो सकता है और आपका वो राज किसी को बता सकता है। कई बार ऐसी गोपनीय जानकारी बाहर आ जाती है तो हमारी छवि खराब हो जाती है, या फिर आप किसी को अपना राज ना बनाएं और अगर आप बता भी रहे हैं तो अपनी जवाबदारी का भी बताएं कि दूसरा व्यक्ति भविष्य के काबिल बिल्कुल भी नहीं है। तीसरा कांड है जो दोस्तों वह चोरी चकारी का है। संभावना तो यही नजर आ रही है दोस्तों कि जब आप घर पर ना हो कोई अज्ञात व्यक्ति आपके घर पर आए और हाथ साफ कर सकता है। इसलिए कहीं भी जाना हो तो दोस्तों कोई एक जना या फिर कोई एक व्यक्ति घर पर जरूर रखें, वरना दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है और आपकी छोटी मोटी गलती आपकी जिंदगी में आपको आगे बढ़ने की बजाय पीछे धकेलती रहेगी।
तो दोस्तों ये तीन बड़े कांड थे जिससे आपको बचना होगा। तो आशा करते हैं कि वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्त के साथ इसे शेयर अवश्य करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।